दिल्ली के 125 से ज्यादा सेंटर्स पर आज से नहीं होगा वैक्सीनेशन। 18 से 44 साल के लिए लोगों के लिए वैक्सीन का स्टॉक खत्म। दिल्ली में वैक्सीन का संकट, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए कोविशील्ड की 3 दिन की डोज ही बची है। वैक्सीन की कमी पर सीएम केजरीवाल ने जताई चिंता, कहा वैक्सीन की कमी देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती। मनीष सिसोदिया का केंद्र पर निशाना, राज्यों के हिस्से की वैक्सीन विदेशों में बेच दी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन मामलों में कमी में से राहत आई, 12,481 नए मामले सामने आए जबकि 347 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए, संक्रमण दर घटकर हुई 17.76। कोरोना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा कोरोना के फैलने में सरकार भी जिम्मेदार, कहीं चुनाव तो कहीं कुंभ का आयोजन होता रहा। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की सलाह, मरीजों की देखभाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट चिंतित, मरीजों के साथ अटेंडेंट को भी रखने पर हो विचार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा राज्यों को ग्लोबल मार्केट के भरोसे छोड़ा, वैक्सीन देने से पल्ला झाड़ रही है केंद्र सरकार। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर हाईकोर्ट की सलाह, नियंत्रित तरीके से शहर को खोलना होगा, साथ ही इलाज न मिलने से किसी की मौत न हो। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, पिछले 2 दिन में कोरोना के केसेस में आई कमी, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से संक्रमण में कमी आई। ब्रिटेन में होने वाले G7 समिट में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। हैदराबाद में ईद की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ती नजर आई, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी, तेलंगाना में कल से 10 दिनों तक लॉकडाउन। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल, बीते 24 घंटे में 44,956 नए केस सामने आए, वहीं 393 लोगों की मौत। मुंबई में भी कोरोना के नए केसेस में आई कमी, 24 घंटे में कोरोना के 1,717 नए मामले सामने आए जबकि 51 संक्रमितों की मौत हुई। देश में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में 3,876 लोगों ने कोरोना संक्रमण से तोड़ा दम। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी, बीते 24 घंटे में आए करीब 3,30,000 नए मामले। केरल में बीते 24 घंटे में 37,290 कोरोना संक्रमित मिले, 79 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,352 नए मामले सामने आए, 65 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। दक्षिण गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने से हड़कंप, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस की टीम ने की स्थिति संभालने की कोशिश। दक्षिण गोवा के अस्पताल में कई कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज, ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज से अस्पताल में मची अफरा तफरी। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य को बधाई देने के लिए गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे, कोरोना गाइडलाइंस का जमकर किया उल्लंघन। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में कमी, पिछले 24 घंटे में 20,463 नए मामले सामने आए, कोरोना से 306 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में घट रही है संक्रमण दर, रिकवरी रेट भी बढ़ा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 1,154 नए संक्रमित, 3,200 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए। ऑक्सीजन फॉर इंडिया नामक ग्रुप ने अमेरिका से 407 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजे, जिसमें से 8 कंसंट्रेटर KGMU लखनऊ को उपलब्ध हुए हैं। लखनऊ के KGMU में 3 मरीजों में ब्लैक फंगस होने की पुष्टि, KGMU के मेडिसिन डिपार्टमेंट में 3 का चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के BCCA की बात, भर्ती कर्मचारियों और मरीजों का हालचाल जाना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीते 22 दिन में 40 से 45 स्टाफ की हो चुकी है मौत, मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी स्टाफ को वैक्सीनेशन जरूरी है। उत्तराखंड में फिर बढ़े कोरोना के मरीज, बीते 24 घंटे में मिले 7,120 नए संक्रमित मामले, 118 लोगों की मौत हुई, देहरादून में 2,200 से ज्यादा मरीज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नारायणा मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, वार्ड में ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा मरीज, नहीं दिखे डॉक्टर और नर्स, वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 200 रुपए में बनाई जा रही फर्जी कोरोना रिपोर्ट, नवाबगंज CSC में तैनात कर्मचारी के वायरल वीडियो से खुलासा, DM ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना मरीज से 9,60,000 रुपए का बिल वसूलने पर कार्रवाई की गई, अस्पताल पर नए मरीज की भर्ती पर प्रतिबंध, प्रशासन ने मांगा स्पष्टीकरण। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में मिले शव पर खुली प्रशासन की नींद, दफनाने से पहले लिया गया कोरोना का सैंपल, नदी में शव प्रवाह करने पर अब रोक लगी। गंगा नदी में शव मिलने के मामले में बक्सर के DM का बड़ा बयान, कहा हो सकता है कि ये शव उत्तर प्रदेश से आए।
मध्य प्रदेश के पन्ना से आई बक्सर जैसी तस्वीरें, रुंज नदी में कई लावारिस लाशें तैरती पाई गई, कोरोना मरीजों की लाश नदी में बहाने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश में नकली इंजेक्शन और कालाबाजारी पर कमलनाथ का सरकार पर हमला, कहा एक्शन की जगह चल रही है जुमलेबाजी, प्रदेश में पनप रहा है रेमडेसिविर माफिया। कोरोना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सीएम शिवराज का पलटवार, कहा जब भी देश में आई कोई समस्या कांग्रेस ने हमेशा फैलाया भ्रम, कमलनाथ ने प्रदेश में पैदा किया अराजकता का माहौल। कोरोना को हराने के लिए मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का अजीब तर्क, कहा यज्ञ करने से छू भी नहीं पाएगी कोरोना की तीसरी लहर। मध्य प्रदेश में 15% के नीचे पहुंचा कोरोना पॉजिटिविटी रेट, बीते 24 घंटे में मिले 9754 नए केसेस, 94 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर रैकेट के आरोपी सरबजीत सिंह मोखा पर कसा शिकंजा, रासुका के तहत कार्रवाई की गई, मोखा का सिटी हॉस्पिटल CGHS की लिस्ट से बाहर। धार के कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर तैनात आयुष डॉक्टर पर FIR, गाड़ी से मिली कोरोना की दवा और सैनिटाइजर, घर पर खोल रखा था एलोपैथिक क्लिनिक और मेडिकल स्टोर। बैतूल जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद बवाल, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर मचाया तांडव, डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर की तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9717 नए केसेस सामने आए, जबकि 199 लोगों ने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी को लेकर बघेल सरकार पर हमलावर रमन सिंह, कहा महामारी से लड़ रहे हैं लोग और सरकार बेच रही है शराब। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी, जयपुर में 24 घंटे में 3613 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने राजनीतिक दलों के नेताओं से किया संवाद, गुलाबचंद कटारिया और संयम लोढ़ा भी वीसी से जुड़े। राजस्थान में आज लॉकडाउन का तीसरा दिन, लापरवाह लोगों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बड़ी संख्या में काटे गए चालान। जयपुर के CMHO ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, CHO भर्ती में सफल अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे CMHO ऑफिस, ना कोई व्यवस्था ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की। जयपुरी अस्पताल में बेड बेचने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, ऑक्सीजन बेड दिलाने के नाम पर 13,500 रुपए की वसूली। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 11,637 नए केस सामने आए, जबकि 144 लोगों की मौत। हरियाणा सरकार ने रोडवेज के 25 वॉल्वो बसों को अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, 10 मिनी बसेस को एम्बुलेंस में बदलकर ग्रामीणों को दी जाएगी स्वास्थ्य सेवा। पंजाब में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा 217 मरीजों ने तोड़ा दम, तो 8,668 नए मरीज आए सामने। हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में हो रही ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति, सीएम जयराम ठाकुर का दावा, बोले अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी किए जा रहे हैं स्थापित। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला, कुल 13 एजेंडा पर लगी मोहर, कोविड टीकाकरण को लेकर 1,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच 27,000 स्वास्थ्य कर्मियों की आज से हड़ताल, कोरोना अस्पतालों में इलाज होगा प्रभावित, मानदेय में बढ़ोतरी की लगातार कर रहे हैं मांग। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी, कोरोना से निपटने के लिए हल्दी पाउडर से जीरा निकालने का सुझाव दिया था, सियासी गलियारों में भी हलचल। ससुराल में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, एक ही बाइक पर सवार थे सभी लोग, मृतकों में एक बच्चा भी शामिल। कोरोना की रोकथाम पर सीएम हेमंत सोरेन की अहम बैठक, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल के सांसदों और विधायकों से की बातचीत, सीएम ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया। झारखंड में सबको मिलेगी फ्री वैक्सीन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप, कहा संक्रमित राज्यों की सूची में नहीं शामिल किया गया है झारखंड का नाम। गढ़वा में ग्रामीणों ने अपराधियों की जमकर की पिटाई, लेवी वसूलने के लिए पहुंचे थे 3 बदमाश, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। पश्चिम सिंहभूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, 2 ASI समेत 6 पुलिसकर्मी हुए जख्मी, बाकी ने भागकर बचाई अपनी जान। अबू यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल, कहा बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार ने कराया गिरफ्तार। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों का हंगामा देखने को मिला, गांधी मैदान थाने के बाहर समर्थकों ने किया हंगामा, पप्पू यादव की गिरफ्तारी से है नाराज। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन एम्स से डिस्चार्ज, एक बार फिर तिहाड़ जेल पहुंचा छोटा राजन, 22 अप्रैल से कोविड के चलते एम्स में था भर्ती। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने की वजह से तबाही की तस्वीरें आई सामने, देवप्रयाग में 8 दुकानें और कई मकान जमीन। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से तबाही, 3 अलग अलग जगहों पर फटा बादल, नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत।
असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे बर्खास्त, पुलिस सेवा से बर्खास्त किए गए। हिरेन मनसुख केस में भी आरोपी, एंजेलिया में संदिग्ध कार रखने का भी आरोप। तरुण तेजपाल केस में आज गोवा की अदालत सुनाएगी फैसला, महिला स्टाफ से रेप का आरोप है। अयोध्या में राम मंदिर की नींव भरने का काम जारी, 50 फीट गहरी नींव में बनाई जाएगी 44 लेयर, जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा होने की है उम्मीद। उत्तर प्रदेश के महोबा में भीड़ ने दरोगा को पीटा, नशे में धुत दरोगा ने जाए वालों से बदसलूकी की थी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मथुरा में अधिकारियों पर भड़के ऊर्जा मंत्री, निरीक्षण के दौरान बलदेव और फरह कोविड सेंटर में मिली खामियां, समीक्षा बैठक में जाहिर की नाराजगी। नोएडा की सेक्टर 62 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में घायल दो बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से हथियार बरामद। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को चेतावनी देते हुए कहा, दूसरे देश के कोविड नियमों को कभी मत तोड़ो। कोरोना के खिलाफ जंग में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिखाया बड़ा दल, दान किए 30 करोड़ रुपए। सीएसके ने अपने फैंस के लिए पोस्ट किया एक इमोशनल वीडियो, 5 मिनट का ये वीडियो ट्विटर पर हो रहा है वायरल। मां को याद कर भावुक हुए धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल, सोशल साइट्स पर रोते हुए वीडियो हो रहा है वायरल। दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचने वाले न्यूजीलैंड के बीजे वॉटलिन ने की संन्यास की घोषणा, भारत के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच। मालदीव में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से कुछ दूर गिरा था चीन का अनियंत्रित रॉकेट, वार्नर ने सुनाई आपकी। पेट्रोल के दाम में लगी आग, मुंबई में पेट्रोल 98 रुपए लीटर के पार। मंगलवार को शेयर बाजार में 4 दिन से जारी तेजी पर विराम, सेंसेक्स से 341 अंक लुढ़का। जिम पर सरकारी खरीद 6894 करोड़ रुपए पर पहुंची, अप्रैल में मिला अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ऑर्डर। घरेलू बाजार में स्टील के बढ़े दाम, सरकार स्टील के चुनिंदा प्रकारों पर आयात शुल्क में कटौती को तैयार है। सोनू सूद के घर के बाहर पहुंचे फोटोग्राफर्स से की बात, सोनू सूद ने सभी को पिलाया जूस, सोनू सूद का वीडियो हो रहा है वायरल। कोरोना काल में अमिताभ बच्चन ने साझा किया खास वीडियो, सभी को कहा कि इस मुश्किल घड़ी में एकजुट हो और इससे लड़ने की जरूरत है। अभिनेता मुकेश खन्ना ने जारी किया अपना वीडियो, कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, सोशल मीडिया पर उड़ी थी निधन की अफवाह। दूसरी लहर सलमान खान के परिवार के लिए भी हुई खतरनाक साबित, बहने अलवीरा खान और अर्पिता खान शर्मा हुई कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल घर में ही है आइसोलेट। इसराइल और गाजा के बीच हमले जारी, मरने वालों की संख्या बढ़ी। इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक, हमले में एक 13 मंजिला बिल्डिंग मलबे में तब्दील हुई, इजरायल के मुताबिक इस बिल्डिंग में हमास की पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। कनाडा के अल्बर्टा में 12 साल से ऊपर के बच्चों का हो रहा है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बच्चों की लंबी कतार, तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन। ईद के चलते अफगानिस्तान में तालिबान ने किया 3 दिन के सीज फायर का ऐलान, अमेरिका ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे सीज फायर को बढ़ाने का आग्रह किया। 2 साल के बाद नासा के स्पेस यान की धरती पर होगी वापसी, एस्टेरॉयड से सैंपल लेने के लिए 2018 में भरी थी उड़ान। वेट जब ऊपर से गिरे और आप उसे देख भी ना पाए तो ज्यादा खतरनाक होता है, ये शख्स बड़ी ही आसानी से 4 से 50 किलो का वजन कैच कर रहा है। हैंडस्टैंड करना सबके बस की बात नहीं है, इन जनाब ने जैसे ही दोनों स्टिक पर खड़े होने की कोशिश की धड़ाम हो गए। जनाब के पूरे शरीर पर कैक्टस लगा हुआ है, हुआ ये कि सड़क किनारे रखे कैक्टस के ढेर पर ये गिर गए और फिर ये हाथ हो गया। इस शख्स ने ऐसी साइकिल बनाई कि ऐसा लग रहा है मानो साइकिल के ऊपर साइकिल सेट हो गई हो, पहाड़ जैसे साइकिल को ये बड़ी ही आसानी से चलाते नजर आ रहे हैं। शख्स ने पानी की गहराई में उतरकर किया भारी भरकम वर्कआउट, कहा हर एक को रखना चाहिए अपने फिटनेस का ख्याल, सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है ये वीडियो। लड़के ने ट्रक के टायर पर चढ़कर दिखाए हैरतअंगेज करतब, लोगों ने की टैलेंट की तारीफ, कहा बंदे में है दम। हाथी ने गजब अंदाज में मैदान पर दिखाया अपनी बल्लेबाजी का दम, गजराज ने लगाए चौके छक्के, खूब छुड़ाए फील्डर्स के पसीने, वीडियो देख लोग हुए हैरान। एक बुजुर्ग जोड़े ने गाने पर किया धमाकेदार डांस, वीडियो देख लोगों ने कहा इन्हें देखकर बोरियत हो गई छुमन। एक शख्स ने अपने पालतू जॉब के लिए बनाई बड़ी सी जुगाड़ वाली साइकिल, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं तारीफ।